आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ जयपुर पधारे हैं और यहाँ 3 दिन का उनका प्रवास रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि जयपुरवासी इस जिन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिन्होंने स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुँचाया, मैं यूँ कहूँ कि बच्चे बच्चे तक पहुँचाया, आज बच्चे भी जो है ना स्वच्छ भारत का इरादा गाना गुनगुनाते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था और उस विजन को साकार करने के लिए जयपुरवासी आगे आए, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आए हुए हैं यहाँ, उनके सामने हम संकल्प लें, हम सिंगल यूज प्लास्टिक अभी बताया कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हमारी गोमाता के लिए नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं हमारे शहर की स्वच्छता के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगता है, तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी अगर कहीं बिकता है तो हम जो जहाँ दिया जाता है छोटे छोटे थड़ी ठेले वाले, तो उनको हम एक अभी एक उत्साहवर्धन जैसा समझें या हम उनको विकल्प सुझा रहे हैं कि आप कपड़े का बैग रखिए, इसके साथ में या मंडी के अंदर हमने कपड़े का वेंडिंग मशीन भी लगाई है कि अगर किसी के पास में कपड़े का बैग नहीं हो तो 5 रुपये का सिक्का डालेंगे तो उनको यहाँ कपड़े का बैग भी मिल जाएगा। पर अब बैगमैन ऑफ इंडिया हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष जी यहाँ बीच में आए हैं और इन्होंने ये शुरुआत की कि हम भी कपड़े का बैग बांटना चाहते हैं। जो सामाजिक संस्थाएं आती है निगम के पास में, क्योंकि निगम का काम है जन सहभागिता से काम करें, क्योंकि जो अभियान हमें जन जन के बीच में पहुँचाना है उसमें जन सहभागिता की आवश्यकता है, और ऐसे में आज मंडी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि वो प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये अच्छा लगा है, क्योंकि अब नगर निगम के द्वारा सतत रूप से कार्रवाइयाँ भी की जाएगी और 21 दिन का समय दिया हमने कि रामोत्सव तक जयपुर ग्रेटर नगर निगम ओपन डिपो रहित हो जाएगा, तो ये ओपन डिपो रहित करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कदम है कि कपड़े का बैग का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी ही ओपन डिपो रहित जयपुर शहर हो जाएगा और शहर की स्वच्छता की रैंक को भी बढ़ावा मिलेगा 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में। देखिए नगर निगम के द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लगातार पेनल्टीज भी की जाती है, पर ये सख्ती करना उसके बाद भी अगर उपयोग होता है तो हमें समझ में आता है कि हम सामाजिक संगठनों के साथ में मिलकर माइंडसेट जो है विचारधारा के अंदर परिवर्तन आवश्यक है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान घर घर पहुंच गया है, पर कहीं ना कहीं कोई व्यस्त शेड्यूल होने के नाते मंडी कोई आया तो पॉलिथीन के अंदर लेकर गया, तो ये हमें शुरुआत, जैसे मैं अपने बैग के अंदर कपड़े का बैग रखती हूँ हमेशा, तो ये हमें हर किसी को समझना होगा, चाहे जयपुर की मेयर हो, चाहे कोई वर्किंग वुमन हो या कोई गृहिणी हो, सबको अपने अपना कपड़े का बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको लेकर आना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हमारी पैसे की बर्बादी भी रुकेगी और जयपुर की शहर की स्वच्छता भी रहेगी। जो निगम 3 स्तर पर कार्रवाई करती है, एक तो जो बेचते हैं जैसे छोटे छोटे हमारे ये थड़ी ठेले वाले व्यापारी बंधु ये लोग बेचते हैं, एक भंडारण जहाँ स्टोरेज होता है और उत्पादन पर राज्य सरकार फैसला निश्चित रूप से अब हमारी सरकार आ गई है उन पर जो फैक्ट्रीज है उन पर कार्रवाई होगी, पर निगम के पास में भंडारण और विक्रय जो है बेचा जाता है उन पर कार्रवाइयाँ की जाती है और वो लगातार चलती आ रही है। एक मानवीय पहल होने के नाते सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और एक मानवीय दृष्टिकोण है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान इनके पास में लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर के पीले चावल भी मैं इनके बीच में लेकर आई हूँ, तो वो शुभता के साथ में शुरुआत करें, स्नेह के साथ में शुरुआत करें और जिस मन से मैं आई हूँ मुझे लगता है कि मेरे व्यापारी बंधु मेरे मंडी पदाधिकारीगण और मंडी विक्रेता जो है सब्जियाँ बेचते हैं वो निश्चित रूप से ये बात उनके मन तक जाएगी और जब मन तक बात जाती है तो वो उसको करते भी हैं।